हाय फ्रेंड्स, दिस इज नम्रता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हुनर क्रिएशन। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो आपको पेंटिंग सिखाई है, मैं उन्हीं पेंटिंग्स को लेके एक कलेक्शन लेके आई हूँ, पेंटिंग हाउस। और ये बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है और इतने खूबसूरत लगते हैं, आप जितनी चाहे उतने हाउस बना के आप अपने घर पे इसको लगा सकते हैं। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ये हाउस, है ना? तो चलिए चलते हैं इसको बनाने, देरी नहीं करते हैं। कैसे कैसे मैंने बनाया है ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी, देन लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग तैयार करना। और पेंटिंग हाउस की सबसे पहली पेंटिंग मैं बनाने जा रही हूँ वर्ली पेंटिंग, जो कि मैंने एक बुद्धा का शेप दिया हुआ है। और इसके लिए सबसे पहले हम इसका बेस करेंगे, उसके बाद हम पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मेरी चारों पेंटिंग रेडी हो गई हैं। पहली जो मैंने आपको दिखाई थी वर्ली आर्ट है, सेकंड मैंने इसको हाउस बनाने के लिए पिचवई आर्ट लिया है, देन मैंने गोंड आर्ट लिया हुआ है, ये भी देखिए मैंने बना दी है, और ये मधुबनी पेंटिंग। मैंने चार पेंटिंग ली हुई है, आपका जो भी मन हो आप वो पेंटिंग उठा सकते हैं। और अगर आपने ये पेंटिंग्स नहीं देखी हैं तो ये वही पेंटिंग है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मैंने अलग से कोई भी अभी पेंटिंग नहीं उठाई है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके और ये इस पेंटिंग का आप जो है पूरा रिव्यू आप आराम से देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो ये तो चारों हो गई पेंटिंग रेडी। अब हमने क्या करना है, इस तरीके देखिये ये कार्डबोर्ड लेने हैं हमें, चार पीस लेने हैं, ये देखिये चार पीस कार्डबोर्ड लेने हैं जिससे हमारी ये पेंटिंग ये ऐसे करके देखिये एडजस्ट हो जाए हमारी पेंटिंग। अब हमें क्या करना है, इसको मैंने देखिए हाउस शेप में कट कर लिया है इन चारों को, ओके ये देखिए और ये देखिए मैंने चारों को कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ब्लैक कलर उठाना है, ब्लैक कलर से इन चारों बोर्ड को हमें कलर कर देना है, ये चारों है इनको हमें कलर कर देना है। ये देखिए ये चारों मेरे कलर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, आइसक्रीम स्टिक हम लेंगे, देखिए ये आइसक्रीम स्टिक लेंगे और ग्लू गन से इस साइड और इस साइड हाउस का शेप देते हुए हम इसको चिपका देंगे। और उसके बाद फिर नीचे की साइड देखिए ऐसे ऐसे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ओके ये देखिए ऐसे नीचे की साइड हम पेस्ट करेंगे, मैं इससे दिखा दे रही हूँ, ये देखिए ऐसे हम नीचे की साइड पेस्ट करेंगे और ऐसे हम ऊपर की साइड पेस्ट कर देंगे, चारों में हम जो है पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ऐसे ही ये देखिए मेरा हाउस रेडी हो गया है, ओके कितना प्यारा सा लग रहा है हाउस। अब हमने क्या करना है, व्हाइट कलर लेना है और व्हाइट कलर के साथ हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डिप किया एंड यहाँ पे ये देखिए ऐसे करके बना दिया, ऐसे ही हमें चारों में बना देना है, इन तीनों में भी बना देना है। और अब देखिए क्या करना है, जी ये मेरी पेंटिंग्स है इनमें हमें पेस्ट कर देना है, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, और हमें इन सबको पेस्ट कर देना है, ओके तो हम पेस्ट करते हैं फिर देखते हैं कैसे लगती है।
और ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसको मैंने दीवार पे लगा दिया है। इधर मेरी घड़ी है, ये एक्वेरियम है और इसके साइड में ये वॉल खाली थी तो मैंने अपना पेंटिंग हाउस लगा दिया। देखा कितने अच्छे से, और कितने इसमें पता है कितने रुपए लगे, मात्र जो है 20 रुपीज लगे इसको बनाने में। ओके, पर आप लेने जाएंगे तो कितना महंगा मिलता है। तो ऐसे ही आप भी अपना दिमाग लगाइए और इसको देख के आप भी बनाइए। और अब तो 1 महीने बाद 2-1.5 महीने बाद दीपावली भी आने वाली है, तो अपने घर को सजाना वजाना शुरू करिए, उसके लिए चीजें बनानी शुरू करिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा मेरा पेंटिंग हाउस, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक भी बनता है। और प्लीज जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग के साथ, टिल देन बाय बाय।